हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमानी एंड मैं हूँ आपकी वैदिक मैथ्स ट्रेनर। तो उसी के बेस पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें हमारा बहुत ही इजी एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, जिसमें हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, और वो भी सिर्फ एक नंबर से, 11 से। 11 से हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड आप उसके साथ देखेंगे आप जितना मर्जी बिगर नंबर ले सकते हैं, कितने भी डिजिट्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन 11 के साथ उस नंबर को मल्टीप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा। तो चलिए चेक करते हैं। आप इसके बाद अपने ट्रेडिशनल मैथड से भी मल्टीप्लीकेशन चेक कर सकते हैं, टाइम को देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो को पूरा समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25743 मल्टीप्लाई 11। फर्स्ट ऑफ ऑल 25743 एज इट इज लिखा, यहाँ पर 11 की नीड है ही नहीं, हमें 11 का हम यूज ही नहीं करेंगे। 0 0 एंड फर्स्ट पे एंड पे 0 पुट करेंगे अपनी तरफ से। देन सिंपली 0 में 3 ऐड किया, 3 3 में 4 ऐड किया, 7 7 में 4 किया 11, 1 क्या ही फॉरवर्ड, 12 12 1 13 1 carry forward, 5 2 7 7 1 8, 2 + 0 2, ये हो गया हमारा आंसर। कितना इजीली हमने कर दिया, 11 की तो नीड ही नहीं हुई, 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बट 11 का ही यूज नहीं हुआ कहीं पर। देख सकते हो कितना ज़्यादा इजी है। नेक्स्ट है हमारा 9 1 9 2 5 मल्टीप्लाई 11। सेम करेंगे, 0 को स्टार्टिंग एंड एंड में पुट करेंगे, देन ऐड कर देंगे सिंपली, 0 + 5 5 5 + 2 7 9 + 2 11 1 कैरी फॉरवर्ड एंड 9 + 1 10 10 + 1 11 1 कैरी फॉरवर्ड, 9 + 1 10 10 + 1 11 1 कैरी फॉरवर्ड, देन 9 + 0 9 9 and 1 10। आप आंसर्स भी चेक कर सकते हो अपने कैलकुलेटर में, आपको बिल्कुल सेम मिलने वाले हैं। नेक्स्ट है 2 6 4 7 1 9, और बिगर नंबर ले लिया हमने, 5 6 डिजिट्स का ले लिया, देन इसमें भी बिल्कुल सेम हम लगाने वाले हैं, 0 को स्टार्टिंग एंड एंड में पुट करेंगे, देन सिंपली ऐड कर देंगे, 9 10 1 कैरी फॉरवर्ड, 7 1 8 8 + 1 9 7 4 11 1 कैरी फॉरवर्ड, 6 4 10 10 + 1 11 1 कैरी फॉरवर्ड, 6 2 8 8 + 1 9 2 + 0 2, आंसर हो गया 2 9 1 1 9 0 9। नेक्स्ट हमारा 201882 मल्टीप्लाई 11। 0 को स्टार्टिंग एंड एंड में पुट करेंगे, देन ऐड करेंगे, 0 + 2 2 8 + 2 10 1 कैरी फॉरवर्ड, 8 + 8 16 16 + 1 17 1 कैरी फॉरवर्ड, 8 + 1 9 9 + 1 10 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 + 0 1 1 and 1 2, 0 + 2 2 2 + 0 2, आंसर हो गया 2 2 2 0 7 0 2। अब इन सारे आंसर्स को चेक कर सकते हैं आप, बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा इजी लगने वाले हैं, इनको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे तो ज़्यादा कुछ प्रैक्टिस की नीड ही नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है, सिंपली 0 पुट करना है स्टार्टिंग एंड एंड में एंड इनको ऐड कर देना है, लास्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से, लास्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट, ओके, लास्ट डिजिट मतलब लास्ट डिजिट देन फर्स्ट, लास्ट फर्स्ट एज इट इज, इसको कैरी रखना है। आप देखोगे अगर आप नॉर्मली मल्टीप्लीकेशन करते हो 11 से ट्रेडिशनल मैथड से, तब भी अगर आप 11 से भी डायरेक्ट करोगे तब भी टाइम लग जाता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कितने ज़्यादा कम टाइम में ये आपके क्वेश्चंस हो गए। तो इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहेगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा नई नई ट्रिक्स यहाँ पर मिलने वाली हैं एंड अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं देन आप उसको प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ताकि सामने किसी और को भी फ़ायदा हो सके, एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय।